नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। बता दें कि 31 अगस्त को वादी मुकदमा थाना जीएनपुर पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अशोक पुत्र बहादुर निवासी ग्राम तिवारी पट्टी वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के पिता बहादुर से शिकायत किया तो गर्भपात और वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर संबंधित मुकदमा व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाम अशोक पुत्र बहादुर निवासी ग्राम तिवारी पट्टी थाना जीएनपुर बहादुर पुत्र अज्ञात को पंजीकृत कर विवेचना थाना अध्यक्ष विवेक कुमार पांडे द्वारा संपादित की जा रही थी। ऐसे में 1 सितंबर को थाना अध्यक्ष जीएनपुर विवेक कुमार पांडे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अशोक को ग्राम तिवारी पट्टी से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़।